मैंने 3 4 साल पहले से ऐसे ही चैप्टर वाइज अलग अलग किया था मैंने, क्या ही करने में आसान रहता है। ये बहुत पुरानी एडिशन, हाँ चैप्टर वाइज किया था हम, कुछ तो पार्ट्स खो भी गए। हमने पढ़ा था इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, स्मॉल जे इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। और इम्पल्स एक चीज़ और होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में गया था। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म के लिए जब ग्राफिकल मतलब अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे एफ डॉट डी टी को टाइम टी वन से लेके टी टू तक, तो आपको टोटल इम्पल्स मिलेगा या फोर्स अंडर एफ टी ग्राफ कराया है, फोर्स अंडर एफ टी ग्राफ। अगर आपके पास ऐसा ग्राफ हो और इम्पल्स का ऐसे ग्राफ बनाओ एफ टी, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स और टाइम का, तो अगर मुझे इम्पल्स निकालना है तो क्या करेंगे, एक पतली सी स्ट्रिप कट करेंगे टी, ठीक है, डी टी और ये एफ, तो एफ डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से टाइम, हाँ टी वन से लेके, हाँ यही वाला टी वन से लेके टी टू तक, तो आपको ये टोटल इम्पल्स मिल जाएगा, ठीक है। व्हेन वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन अ, हाँ व्हेन, एक सेकेंड, व्हेन वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, उस केस में, ठीक है। अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, फॉर अ रेक्टेंगल बनेगा, जैसा बनेगा जो भी दिया हो, फॉर अ कांस्टेंट फोर्स जैसा डायग्राम दिया हो, फॉर अ कांस्टेंट फोर्स एफ टी, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे टाइम है टी वन, यहाँ पे टाइम टी टू है, हर सेम टाइम वही है बट फोर्स सेम रह रहा है, देखो 10 न्यूटन हर जगह पे, तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव यू इम्पल्स, सो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव यू इम्पल्स। एक आईटी मेंस का क्वेश्चन करते हैं 2004 का, इतना लेट, ओहो अब तो क्लास ही होगी है ना, बैठो भैया तुम भी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं आईटी का 2004 का, आईटी मेंस 2000, वो ब्रदर इन लॉ है, ऑफेंड क्यों हो जाएंगे, कितना अच्छा कॉलेज है। तो फिर ओवररेटेड वाला, हाँ तो आईआईटी अच्छी नहीं है, कैंपस देखो, लाइफ तो देखो, ठीक है, आप उन ये लोगों उनके लिए जिन्होंने ये बोला आईआईटी ओवररेटेड है, तुमने बोला तो तुम्हारे लिए, अगर नहीं बोला तो जिसने बोला हो, है ना, जिसको आईआईटी करना ही नहीं, जिसको उस गली में जाना ही नहीं, कॉमर्स वाले के लिए तो कुछ है ही नहीं, ह्यूमैनिटीज वाले कुछ, और साइंस में भी जिसको आईआईटी नहीं जाना है उसके लिए भी नहीं है, उसके लिए भी नहीं है, जिनको जाना है उनसे नहीं हो पाया तो वो कहते हैं अरे यार मणिपाल भी तो ठीक है, अमिटी भी ठीक है, गलगोटिया भी ठीक है, ये उनके लिए है ना, अरे होने दो, मैं ऐसे डाल रहा हूँ ऑफेंड होने दो। आईटी मेंस 2004 क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा, अ मशीन गन फायर अ बुलेट ऑफ मास, मास ऑफ बुलेट इज 40 ग्राम, ये हो गया, छोड़ो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। हाँ उसको लेकिन काट दो ना, जब सिलेबस में नहीं है तो मैंने कटवा दिया, काट दिया मैंने, जिसने डाउट पूछा था मेरे से जब आने नहीं, क्यों कराना, कहाँ चला गया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था क्या, हाँ करा रहा हूँ करा रहा हूँ। अच्छा वहीं से शुरू करते हैं, न्यूटन क्या है, ये न्यूटन थर्ड लॉ कंजर्वेशन, हाँ एवरी एक्शन इज अपोजिट रिएक्शन, ठीक है यहाँ से शुरू करना था ना, अप्लीकेशन, इसमें एक फेमस अप्लीकेशन है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, ये हर जगह हर क्लास में पढ़ाया जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल बनता है क्लास 10th का जिसमें हम डिफरेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ये जरूर कराया जाएगा, हर स्कूल में कराया जाएगा, कोई भी अच्छा स्कूल होगा जरूर कराया जाएगा ये वाला क्वेश्चन, और नहीं करा रहा तो फिर दिक्कत है उस स्कूल में, मजा नहीं, सही बता रहा हूँ, वही मतलब हो सकता है, समझिएगा यहाँ पे एक हॉर्स है, उसने फोर्स लगाया एच इस तरफ इस कार्ट को खींचने के लिए,
ये जो रस्सी है थ्रेड है इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी लगेगा, जिसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स जो होता है वो हमेशा पार्टिकल से दूर जाता है, अवे फ्रॉम पार्टिकल्स। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है उससे दूर जाएगा, उसका एरो हमेशा अपोजिट होगा। हॉर्स ने एक फोर्स लगाया होगा जमीन पे आगे बढ़ने के लिए, एफ फोर्स ऑन लैंड। इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक ऊपर लगा होगा आर। ये आर क्या है? इट इज अ रिएक्शन ऑफ एफ, रिएक्शन ऑफ एफ। एफ क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय हॉर्स ऑन अ ग्राउंड। एफ क्या है? एच क्या है? हॉर्स ने जो फोर्स आगे की तरफ खींचा। टी क्या है? टेंशन ऑन अ थ्रेड और जो भी रस्सी बांधा गया है ड्यू टू दिस एच, ड्यू टू दिस। जब इक्विलिब्रियम में होगा यानी मूव नहीं करेगा तो सब बराबर होगा। क्या होगा? मतलब ये मूव नहीं कर रहा है तो सारे फोर्स कैंसिल कर देंगे। सो इफ बॉडी एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम, इन दैट केस आर इज इक्वल टू एफ एंड टी इज इक्वल टू एच। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। दूसरा, ये जो आर है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर दैट इज आर, मान लो ये थीटा है तो आर कॉस थीटा, और इसमें बताया गया है कि ये आपका और ये एक कंपोनेंट बनेगा आपका आर, ठीक है। दो कंपोनेंट बनेंगे, आप समझिएगा कुछ बातें। और टेंशन उसी के अलोंग लगा हुआ है ना, कुछ एंगल बनेगा, इसका बनेगा, एफ का बन सकता है अगर हम एंगल बनाए तो। अगर हॉर्स मूव कर रहा है इसका मतलब एच इज ग्रेटर देन टेंशन, मतलब कैंसिल आउट नहीं कर पाया। इफ हॉर्स इज मूविंग तो इसका यही कंडीशन है कि एच इज ग्रेटर देन टी। इफ हॉर्स इज मूविंग इन दैट केस एच इज ग्रेटर देन टी। और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ हॉर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ हॉर्स वो कितना होगा? एच माइनस टी, नेट फोर्स ऑन हॉर्स। 10 न्यूटन उसने खींचा, 5 न्यूटन मान लो टेंशन गया, तो 10 माइनस 5 5 न्यूटन हॉर्स पे लग रहा है। हॉर्स लगा है उसको, मतलब हॉर्स खींच रहा है। अभी अगर ये मूव करा तो सिंपल सी बात है, जो टेंशन बना वो इससे कम बना। अगर कम नहीं होता तो ये मूव ही नहीं कर पाता, क्योंकि हॉर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। हॉर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, टेंशन का डायरेक्शन उसके जस्ट अगेंस्ट है। उससे क्वांटिटी वाइज अगर ये मूव किया तो सिंपल सी बात है, टेंशन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ये इसकी लेंथ मैंने बड़ी बनाई, मतलब फोर्स ज़्यादा है, ये कम है। वेक्टर क्वांटिटी से लेंथ से बस हम समझा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि हॉर्स का मास m है और a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो फोर्स कितना होगा हॉर्स पे? m इंटू a, और यही फोर्स तो नेट फोर्स होगा। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों सेम ही तो होगा, तो इसके हिसाब से जो आपका होगा m इंटू ए इज इक्वल टू होगा h माइनस टी। पक्की बात, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये अभी तक हम किसके बारे में कर रहे थे? हॉर्स। अब कार्ड पे आते हैं, कार्ड के भी तो कुछ किससे बनेंगे। कार्ड का देखिएगा, अगर कार्ड का मास कैपिटल m है और ये भी दोनों साथ मूव कर रहे, अरे ये घोड़ा गाड़ी, हाँ ठीक, अंग्रेजी मेरी, तो जब इसको खींचेगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, स्मॉल f लगेगा ना। तो नेट फोर्स जो इस कार्ड पे लगेगा वो कितना लगेगा? अच्छा, एक टेंशन फोर्स जो इधर लग रहा है, इसे एक इक्विवेलेंट टेंशन फोर्स इधर भी लगेगा, ये भी टेंशन इसके ऊपर, तो ये दोनों अपोजिट होंगे। तो जो नेट फोर्स लगेगा किसके ऊपर? कार्ड के ऊपर। नेट फोर्स ऑन कार्ड इज टी माइनस एफ, और ये किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा, जो कि होगा कैपिटल एम इंटू ए। ये स्मॉल एम है, ठीक है, ये वाला स्मॉल एम है, यानी इसको ढंग से थोड़ा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा टी माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर टू। ये इक्वेशन नंबर, अब क्या करें, एड इक्वेशन 1 एंड, तो ये टी से टी कटेगा, ये है वन, इसमें ये स्मॉल एम है, ठीक है। देखो ये माइनस टी और वो प्लस टी है, ऐड कर रहे हैं, तो ये गया एच माइनस एफ,
एच माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इसे बता रहा था वो स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, एक्सेलरेशन सेम है, सेम से जा रहे हैं, इसने खींचा तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा किसका, एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू एच माइनस एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस, ये क्या है, ये है आपका फोर्स अप्लाइड बाय हॉर्स, फ्रिक्शन ऑन कार्ट, मास ऑफ कार्ट, मास ऑफ हॉर्स, ये आपका फेमस रिजल्ट है किसका, हॉर्स कॉट प्रॉब्लम का, ये बड़ा फ्लेक्सिप है और ये आपको पता होना चाहिए, छापो फटाक से, टॉपिक का नाम भी रखना हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, नहीं नहीं लिखो, लिखना याद है बेटा, वो फिर वो रह जाएगा, फोटो फोटो ही रह जाएगा, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, केमिस्ट्री कैसे चल रही तुम्हारी, क्यों केमिस्ट्री तो अच्छा पढ़ा रही है मैम, फिजिक्स में बहुत कम हो गए, कितने में से थे मार्क्स, नौ नंबर कहाँ कट गया, जाने दो, हाँ नौ नंबर कट गया है, बहुत कट गया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन हॉर्स, फोर्स पूरा का लिखा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन हॉर्स, कराया गया स्कूल में, ये चैप्टर तो खत्म होने वाला था तुम्हारे स्कूल में, तो ये हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम क्यों, हाँ नहीं आएगी बट कॉन्सेप्ट तो है ना, इससे सीखने को मिला कि हम फोर्स कैसे इक्विलिब्रियम करते हैं, ऐसे लिख के थोड़ी ना आएगा कि हार्ड स्पॉट प्रॉब्लम, टॉपिक नहीं छोड़ते हम लोग, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए, ये मानते हैं ऐसे लिख के नहीं आए हार्ड स्पॉट प्रॉब्लम, बट यहाँ से कॉन्सेप्ट तो सीखने को मिला ना कि एक्सेलरेशन कैसे बना रहे हैं या फोर्स कैसे इक्वेट कर रहे हैं, वो तो आ सकता है ना, हाँ जी वो मेरे को दे देना, अपने अपने स्कूल के ना वो दे देना मेरे को, टाइम जब मिले ना फोटो खींच के इजीली मैसेज करना, मुझे ना ट्रैक रहेगा कि मेरे को क्या, मैं सबसे मांग रहा हूँ क्योंकि तुम लोग से नहीं, जहाँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ मेरे को देख, नहीं मैं ज़्यादा पढ़ा दूँ या वो कम पढ़ा रहे हैं या वो, तो सब देखते चलना है, कहाँ पे ये नेट फोर्स ऑन कार्ट, कार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है हॉर्स की वजह से, हाँ हाँ वो, हाँ जैसे मैंने लिफ्ट प्रॉब्लम भी नहीं कराए होंगे, नहीं वो कराया है, ठीक है फिर तो, फिर सही है, दोनों कराना चाहिए वैसे, अगला वही है मैन एंड लिफ्ट प्रॉब्लम, वो मैंने लिफ्ट कर देता हूँ, विश करने और लिफ्ट तुम्हारा चल रहा है, फिजिक केमिस्ट्री से चल रहा है, यहाँ पे दो चैप्टर पढ़ चुका है वो आता है उसको, जगह गया था पढ़ने ना, दो चैप्टर पढ़ा हुआ इसने,
नेक्स्ट हाँ, ये एक तरह से पता क्या है, ये इसलिए सिखाया गया कि अब यहां से आपके क्वेश्चंस जितने बनेंगे तो आपको फोर्स विजुलाइज करना है, या कह लो यही क्वेश्चन बना के आ जाएगा। मतलब कोई कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा ये टॉपिक नहीं है हॉर्स एंड कॉट प्रॉब्लम। फिजिक्स में क्वेश्चंस कोई टॉपिक बना देते हैं हम लोग, हर क्वेश्चन एक टॉपिक हो जाता है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। हाँ ये, हाँ ये क्वेश्चन बन सकता चेंज करके। अगला है आपका मैन एंड लिफ्ट प्रॉब्लम, मैन एंड लिफ्ट ह्यूमन। हाँ जी, ह्यूमन एंड ह्यूमन एंड लिफ्ट प्रॉब्लम। आजकल राइटिंग मेरी बड़ी सुंदर होते जा रही है भाई, V2F बनाया आपने, प्रॉब्लम समझिएगा। अभी लिफ्ट रेस्ट पे है, ठीक है, समझिए। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो होगा mg, नीचे की तरफ। अगर ये रेस्ट पे है तो इस लिफ्ट भी इसके ऊपर एक इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रही होगी नॉर्मल। रेस्ट पे है तो n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू mg। यहां तक कोई दिक्कत है? दो केस बनेगी, एक बार लिफ्ट ऊपर जाएगी और एक बार लिफ्ट नीचे आएगी। अगर ये लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, किससे, a एक्सेलरेशन से, केस नंबर वन, व्हेन लिफ्ट मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, व्हेन लिफ्ट, हाँ हाँ, लिफ्ट मूव अपवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन ए। इसने आर लिया है नॉर्मल को, मैं भी आर ही लेता हूँ, आर लो, आर नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन बाय लिफ्ट ऑन मैन। जैसे ये बॉटल अभी रखी है ना स्टेबल पे, तो बॉटल का मास लग रहा है नीचे की तरफ mg, तो टेबल इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है जिसकी वजह से ये रेस्ट पे है। तो जो नेट फोर्स लगेगा इस इंसान पे वो इसका डिफरेंस लगेगा, कितना लगेगा, अब वो किसके बराबर होगा, जो फोर्स लिफ्ट लगा रही है और ए एक्सेलरेशन से जो भाग रही है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा इसके ऊपर आर ऑब्जेक्ट के ऊपर mg, ये नेट फोर्स लगेगा, हाँ मैन के ऊपर, ठीक है, जो कि बराबर किसके होगी, जो कि बराबर होगी आपकी जब मान लो इस इंसान, जो इंसान है ये जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो इंसान भी ऊपर जाएगा, जो एक्सेलेरेशन लिफ्ट की होगी वो इंसान की भी होगी, सोचने वाली बात है। और मास तो खुद का है ही इसका ऑब्जेक्ट का, एफ इंटू, एफ क्या होता है, एम इंटू, बता रहा हूँ फिर बताऊँ, ये जो एम ए लिखा है, नहीं नहीं ये जितनी चीज़ें लिखी है किसके लिए लिखी गई है, मैन के लिए लिखी गई है। तो यहाँ पे लिख लेना द नेट, द नेट अपवर्ड फोर्स, फिर से बता रहा हूँ, ऑन द मैन, फिर से बता रहा हूँ सुनो, जब हम लिफ्ट में खड़े थे तो मेरा एक वेट लग रहा था एम जी नीचे की तरफ, लिफ्ट का जो फ्लोर है ये फ्लोर, ये मेरे को रिएक्शन फोर्स दे रहा था आर, जो इस एम जी के बराबर होगा। जब अभी रेस्ट पे हैं, जब ये मूव करेगा, जब ये मूव करेगा तो इस ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सेलरेशन होगा ए, वो कितना होगा, जो लिफ्ट की एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और उसके पास मास है तो उस पर फोर्स भी होगा, फोर्स कितना होगा, उसका मास, उस व्यक्ति का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन, तो वो ये आ गया। साथ ही साथ जब ये लिफ्ट में था भाई साहब, तो जो नेट फोर्स था वो था रिएक्शन और इसका डिफरेंस। क्यों होगा डिफरेंस, डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी जब भी इसी एक ऑब्जेक्ट पे लगती हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, क्या होती हैं, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, तो जो नेट होता है वो इनका डिफरेंस होता है, क्या होता है, तो जो नेट होगा वो होगा आर माइनस एम जी है। अच्छा ये वेट क्या है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वेट आता है, मास तो वही रहना है, ये क्या है, वेट ऑफ
मैन, वेट ऑफ मैन। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बाय लिफ्ट फ्लोर। अब यहां से हाँ, अभी नॉर्मली अब यहां से शुरू हो गया है आपका फिजिक्स में वेक्टर विजुलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक, अभी और भी केसेस बनेंगे। जब ऊपर जा रही होगी तो आर को ग्रेटर लेंगे, है ना, ऊपर जा रही है तो व्हेन यहां पे आर इज ग्रेटर देन एम जी। बट जब डाउनवर्ड जाएंगे तो एम जी इज ग्रेटर देन, क्योंकि आप टूवर्ड द ग्रेविटी जा रहे हो। ठीक है, तो सेकंड केस, चलो अच्छा है, सेकंड केस, केस नंबर टू, व्हेन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, व्हेन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड। सो अब एक्सेलेरेशन किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। ठीक है, एक्सेलेरेशन भी नीचे है, नहीं नहीं सेम एम ए ही लेंगे, फोर्स वही होगा, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में ये नीचे जा रही है, तो फोर्स ये एम जी क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू आर एम ए। तो यहाँ से आप इसको, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से आर का इक्वेशन बनाना, आर इज इक्वल टू होता है एम जी प्लस ए, और यहाँ से आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस ए। एक चीज़ समझना जो सोचने वाली बात है, फोर्स क्या होता है? आर क्या है? फोर्स ही तो है। तो बहुत आराम से देखो, तो ये क्या है? मास इंटू एक्सेलेरेशन, बट यहाँ पर जी प्लस ए हो गया, यानी आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे थे, जी प्लस ए एक्सेलेरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट ऐड हो गया। जब आप टूवर्ड ग्रेविटी आ रहे थे तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लिफ्ट की एक्सेलेरेशन माइनस है एम इंटू ए ही, ये याद रखने का तरीका है। आर क्या है? रिएक्शन है, जो कि फोर्स है। क्या है? आर एक फोर्स है ना, आर इज अ, हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल फोर्स है। क्या है? बाई लिफ्ट, बाई लिफ्ट। तो फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो ये भी एक्सेलेरेशन ही है, यहाँ एडिशन ऑफ एक्सेलेरेशन, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको अपना वेट हल्का महसूस होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस, बिकॉज ऑफ, अगर अगर रेस्ट पे होते तो ए क्या होता? जीरो। तो वेट क्या होता? एम जी, सिंपल एम जी तो वेट ही होता है, मूव करने लगी अप एंड डाउन, एक बार ऐड हो रहा है एक बार, तो और अगर एक्सेलेरेशन ऐड हो गया, ये चीज़ें बढ़ गई, ये और बढ़ गया, तो अगर जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो वेट आपको भारी महसूस होता है, एम जी ए हो गया। आप इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व करके देख सकते हो, कैसे, मान लो किसी का वेट है 10 ग्राम, ठीक है, जी ले लो 10, क्या ले लो 10, और एक्सेलरेशन भी ले लो 10 मीटर पर सेकंड, दोनों ले लो, तो पहले केस में वेट कितना महसूस, मान लो आर उसका वेट है, कितना हो जाएगा ये आपका 10 इंटू 20, कितना हो गया 200 न्यूटन फील कर रहा है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, नहीं फर्स्ट वाले केस में कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये ऐड हुआ है, वो कैसे ऐड हुआ, बन गया ना ये फॉर्मूला डेरिवेशन, वो फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। दूसरा, जब नीचे की तरफ आएगा तो ये कितना हो गया 10 into 10 100, तो हल्का महसूस किया, क्या महसूस किया, क्योंकि फोर्स ही तो एम जी है और यही क्या है, वेट। ठीक है, तो व्हेन यहाँ इस वाले केस में क्या होगा, मैन इनसाइड फील हैवी, उसका वेट भारी महसूस होगा जब हम ऊपर जाएंगे, जब लिफ्ट से नीचे आएंगे तो कैसा लगेगा कि हम हल्के हो गए, और अगर तार कट गई तो थर्ड केस, फ्री फॉल केस। तो थर्ड केस, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जब भी जब नीचे गिरता है तो उसमें उसमें वेलोसिटी क्या कांस्टेंट माना जाता है, क्या मानते हैं, कांस्टेंट, उस केस में एक्सेलेरेशन उसमें एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, जीरो। जब फ्री फॉल होता है ना तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो अगर ऐसा केस है तो फर्स्ट केस में अगर वहाँ जीरो रखेंगे, कहाँ पे, हाँ मैंने गड़बड़ कर लिया, हाँ ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सही कह रही, तो चेंज कर लेते, कुछ और वैल्यू लेते, कटने लायक ना हो, तो मैं समझाने के लिए कहता, मान लो लेते हैं 50, ये मैं समझाने के लिए किया है, ये तुम्हें कैसे, कोई ऐसा वैल्यू है ना जो उसमें हम समझा पाए इजिली, कर सकते हैं।
अगर हमने रस्सी काट दी, थर्ड केस व्हेन लिफ्ट इज फॉल फ्रीली, व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, तो व्हेन लिफ्ट फॉल फ्रीली इट मूव अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ए बिकम जी, एक्सेलरेशन ए बिकम जी, सो आर इज इक्वल टू एम इंटू ए माइनस जी, सो आर इज इक्वल टू ए जी माइनस जी, दैट इज जीरो, ए माइनस जी माइनस ए था ना, जी माइनस ए, तो क्या होगा यहाँ पर आपको इस वाले हिसाब से बताता ना, नीचे आ रही ना, गिर रही है ना नीचे, तो लगेगा तो यही है ना, अच्छा नीचे वाला केस हाँ, तार कटेगी तो ऊपर थोड़ी जाएगी, तार कटेगी लिफ्ट के तो ऊपर जाएगी, वाओ पैरेलल वर्ल्ड, नीचे ही गिरेगी, तो वेटलेसनेस के कौन इसमें क्या होता है, वेट मतलब ऐसा लगता है कि वेट है ही नहीं, कम चाहे छोड़ ज्यादा लगता है कि खत्म मरने वाले हैं अब, वेटलेसनेस कॉन्सेप्ट होता है, वेटलेसनेस, ठीक ओके। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता था, नाइन्थ वाला है ना, उसको अगर हम उससे करें डेरिवेटिव से करें तो नाइन्थ वाला भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी destroyed. So let's an object of mass m moving with velocity रिया को मैसेज करना है कि क्लास 8 बजे है ना, दिया एक और रिया है ना, मान ले एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, इनिशियल वेलोसिटी u, एक और मास है m2, इनिशियल वेलोसिटी इसका u1, u2, मूविंग विद वेलोसिटी आपस में कोलाइड करके फिर गए तो v1 और v2 हो गया, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, ये पढ़ा था हमने, इफ u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू जीरो, कहाँ गड़बड़ लिखा गया कहीं, v2 सही तो है, सही लिखा है बेटा, मैं कहाँ का पढ़ लिखा, सही लिखा हूँ मैं, m1 कांस्टेंट रहेगा, बता रहा हूँ ना, ये बिफोर होता है या आफ्टर का कोलिजन का होता है, तो m1 कांस्टेंट रहेगा और m2 u2 भी कांस्टेंट रहेगा, इनका जो भी आंसर होगा वो इसके बराबर होगा, इसका जो भी आंसर होगा वो इसके बराबर, ये 9th का डेरिवेशन है, हम कर नहीं रहे, जरूरत नहीं है, है नहीं सिलेबस, अगर ये रेस्ट पे है तो उस केस में हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू जीरो, तो जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2, बुलेट एंड गन प्रॉब्लम इसी में करते हैं ना, बुलेट एंड गन प्रॉब्लम, ये तो हो गया आपका एलजेब्रिक, अब आते हैं इसका डेरिवेटिव, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा किसी भी बॉडी का वेक्टरली, वो होगा आपका m1 v1, हाँ हाँ वो भी पार्ट है, m1 v1 मास मास स्केलर क्वांटिटी, m2 v2 .. mn vn, ये होगा, लेट बी द m1 मास एंड v1 v2 आर द वेलोसिटी मूविंग विद, इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका p1 p2 .. pn, टोटल मोमेंटम यही होगा ना, अगर मान लो n पार्टिकल्स हैं तो उनका एडिशन, n पार्टिकल्स हैं अलग अलग मोमेंटम से P1 P2 से मूव कर रहे हैं तो सबको ऐड करें एक सिस्टम का पार्ट, अच्छा सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये होता है सेकंड लॉ, तो अगर फोर्स जीरो हो क्या हो, तो उस केस में मोमेंटम में क्या जरूर क्या होगा, इफ फोर्स जीरो देन dp/dt इज ऑल्सो, ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो, यानी कि हम ये कह सकते हैं
कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स क्या है, जीरो, तो उसमें सभी मोमेंटम भी क्या, जीरो, देयरफोर पी वन प्लस, तो यही डेरिवेशन है, यही डेरिवेशन इज इक्वल टू जीरो. सो लिख लो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, ये दोनों एक साथ इसलिए लिखा कि दोनों पता होना चाहिए, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फोर्स, द टोटल लीनियर मोमेंटम, द टोटल लीनियर मोमेंटम, द टोटल लीनियर मोमेंटम, मेरे को ही नहीं दिख रहा है क्या आप बोल रहे हैं, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट, इज, हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट, दिस इज नो, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब शुरू करते हैं जो इस चैप्टर को, अब मेन फिजिक्स है, नहीं अब आपको समझ आएगा, अब शुरू होगा मेन, जिसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जहां से हमें सारे फोर्स किसी भी पार्टिकल्स पे जो लगते हैं उनको रिजॉल्व करना है, अगर इक्विलिब्रियम है तो उनको इक्वल करना है. कॉन्सेप्ट का नाम है, टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स. नींद आ रही है, कितने बजे आए थे तुम, 4:30 पहुँचे हो गए, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं पिए तुम, विकास सर कहता रहे थे कॉफ़ी के, 3:30 हैं, केमिस्ट्री से आ रही हो, फिर बच्चे इतने ट्यूशन पढ़ रहे हैं, घर पे कब पढ़ते हैं, टाइम ही नहीं है भैया, बच्चे ही कह रहे सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो, सही बात है, कहाँ से मैनेज होगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी. बेटा मेरी ऑलरेडी क्लास है 8 बजे, पहले बताया होता मैं पहले बुला लिया होता ना, 3 से 8 में सेंटर पे ही था, ठीक है, अभी मेरी 8 बजे के बाद से क्लासेस है, सारी होम ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स. मान लीजिए एक पार्टिकल है यहाँ पे और इस पर एक फोर्स लग रहा है इस तरफ F1, एक फोर्स लग रहा है आपका इधर F2 और एक फोर्स लग रहा है इधर F3. आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो पार्टिकल यहाँ पे है, मान लो बॉल है कोई, वो इक्विलिब्रियम में है, क्या है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये तीनों फोर्स का जो सम होना चाहिए वो जीरो होगा, क्या होगा, वो तभी हो सकता है जब F1 F2 का एक रिजल्टेंट निकाले बाय द पैरेललोग्राम लॉ, F1 प्लस F2, और F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल टू F3, इक्विलिब्रियम है ना, तो ये क्या होगा, आपस में बराबर होना चाहिए. साथ ही साथ जो मैग्नीट्यूड है किसका, F1 प्लस F2 का, मान लो दोनों जोड़ का 10 न्यूटन आया, तो ये भी कितना होगा, 10 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज F1, हाँ वो तो इक्वल होंगे ही, माइनस F3 शुड बी जीरो, शुड बी जीरो, शुड बी जीरो. कई सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे लगना, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, वो वेक्टर में जो आप फिजिक्स का वेक्टर पढ़ते हो ना, ये समझो जो 12th का वेक्टर है उसका एक एक्सरसाइज केवल पढ़ते हो फिजिक्स में, वो बहुत डिटेल में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बेसिकली वो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, नहीं वेक्टर पढ़ने को फिजिक्स नहीं कहा जाता है, तो वही वाली बात हो गई कि हमने थोड़ा सा साइंस पढ़ लिया, तो मेरे को जोक नहीं याद आ रहा, भूल गया.
सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्विलिब्रियम द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल शुड बी एल्जेब्रिक सम शुड बी एल्जेब्रिक सम शुड बी जीरो शुड बी जीरो तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यही कहता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बता रहा हूँ और ये मैं ट्वेल्थ वालों को इतना कोसता हूँ उनकी भी कोई गलती नहीं है कि कोई पढ़ाता ही नहीं है, केवल पढ़ाया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में. नाम है लेमी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, LAMI लेमी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रेयरेस्ट स्कूल में पढ़ा जाता है, बट ये कॉम्पिटेटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और ये अगर आपको आता है तो फिजिक्स के सारे बहुत सारे जहाँ पे भी वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा वो इजी हो जाएगा और ये आपको ट्वेल्थ में बहुत ज़्यादा काम आएगा पहले चैप्टर से ही. क्या कहता है ये समझिएगा, किसी पॉइंट पे मान लीजिए कोई पार्टिकल है यहाँ पे, इस पे तीन अलग अलग कंकरेंट फोर्स लग रहे हैं तीनों डायरेक्ट इस तरह से कुछ. ये है आपका फोर्स वन, ये है फोर्स टू और ये है फोर्स थ्री गामा अल्फा बीटा, कुछ ऐसे एंगल बने हैं. गामा बन रहा है आपका अल्फा बीटा गामा, गामा बन रहा है F1 F2 के बीच में, अल्फा बन रहा है F2 F3 के बीच में और बीटा बन रहा है F3 और F1 के बीच में, किसी पार्टिकल पे लग रहे हैं. तो अगर इनको हम क्लोज लूप में बनाएं, ये तीनों फोर्स को हम एक ट्रायंगल के साइड के हिसाब से बनाएं, ट्रायंगल के साइड, तो कुछ ऐसा समझिएगा, ये है आपका F1, ये है आपका F1 वेक्टर, यहाँ पर रख दें हम अपनी F2 वेक्टर, ऐसे रख दें हम अब F3 वेक्टर, F3 वेक्टर, समझिएगा एक बात, F1 और F2 के बीच में कितना एंगल था, अल्फा, F1 और F2 के बीच में गामा था, क्या था, गामा, गामा बन ही नहीं रहा, बन रहा, हाँ एक्चुअली वो शिफ्ट कर सकते हैं ना, वेक्टर्स है तो शिफ्ट कर सकते हैं. F2 और F3 के बीच में क्या एंगल था, F2 और F3 के बीच में अल्फा, तो थोड़ा शिफ्ट करके बनाएंगे, ये था अल्फा, इसको भी शिफ्ट करके बनाएंगे, ये बीटा, ये क्या वेक्टर को हम आगे खींच सकते हैं ना, जैसे अगर मान लो वो देखो बीटा किसके बीच में है, F1 और, तो क्या मैं F3 को सरकार के यहाँ रख सकता हूँ, बन गया ये देखो जैसे पहले था, इसको मैं सरकार के ऊपर कर दूँ तो फिर वही बन जाएगा अल्फा वाला. अब पूरा एंगल होता है 180, ये होता है आपका पाई माइनस गामा, ये हो जाएगा पक्का पाई माइनस अल्फा, अभी नहीं समझ आएगा इसका इंपॉर्टेंस लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, ये हो जाएगा पाई माइनस बीटा. लेमी थ्योरम कहता है कि कोई भी तीन फोर्स किसी ट्राइंगल के साइड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बराबर होता है, इसको एक साइन लॉ बोलते हैं, F1 लिख देना, F2 लिख देना, F3 लिख देना, बीच में इक्वल सिंबल डाल देना. अब डिनोमेटर में क्या लिखना है, F1 के सामने वाला जो एंगल है उसका साइन ले लो, तो क्या है, साइन पाई माइनस अल्फा. F2 कहाँ पे है भाई साहब, उसके सामने वाला एंगल क्या है, साइन पाई माइनस बीटा. F3 कहाँ है, उसके सामने कौन एंगल है, पाई माइनस साइन पाई माइनस गामा. और इसलिए मेरे को अभी जितने भी 12 पढ़ा रहा हूँ किसी को ये नहीं आता है और इसका इतना यूज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका. साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, ये हो जाएगा F1 अपॉन साइन अल्फा, ये हो जाएगा F2 अपॉन साइन बीटा, ये हो जाएगा F3 अपॉन साइन गामा. कैसे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, ये तो बात की बात है, अभी हमें ये थ्योरम पता होना चाहिए. इसको बोलते हैं हम लोग लेमी थ्योरम, विच स्टेट दैट इफ थ्री फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल कीप इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, हाँ इक्विलिब्रियम में लगता है ये, पहले ये लिख लो फिर स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ मैं, हाँ लिखो, हाँ लेमी थ्योरम स्टेट दैट इफ थ्री फोर्स
विच स्टेट दैट इफ थ्री फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल कीप इट इन इक्विलिब्रियम देन इच फोर्स इज हाँ बुक में से तो लिखवा रहा हूँ कीप इट इन इक्विलिब्रियम देन इच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। बेटा कल तुम 6:30 से 7:30 के बीच में डीटीएस आ जाना, मैं बैकअप क्लास अरेंज कर दूंगा 6:30 से 7:30। हाँ अब कैसे, अब सुनो, अब हमें क्या करना है, अब सीखना है एफबीडी डायग्राम बनाना। क्या बनाना? तो अब हमारा, हाँ एफबीडी डायग्राम का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन करते 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 ही आएगा। एफबीडी का मतलब जितने भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं उनको बना दो और जैसा क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से सॉल्व कर दो। ये मेन है ये। नहीं बस फॉर्मूला पता होना चाहिए यूज कैसे होता है। है ये है यूज आएगा, 11th में यूज होगा, देखना। अभी इसको कैसे याद रखोगे, देखो F1 फोर्स है ना, उसके अपोजिट वाले एंगल का साइन F1 के opposite. F2 के अपोजिट वाला एंगल F3 के अपोजिट वाला एंगल का साइन लेके डिवाइड कर देना उस फोर्स के साथ, और अगर इक्विलिब्रियम है तो ये इक्वल होने चाहिए, ये रेशियो है। ये तो गामा है, ये अल्फा है, ये गामा है, 80 माइनस गामा। छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, चलें। एफबीडी क्या हेडिंग डालोगे, कुछ हेडिंग मत डालो, एफबीडी ही है मतलब, है ना, हमें सारे फोर्स को इक्विलिब्रियम सॉल्व करना है, देखना है। एफबीडी कोई टॉपिक नहीं होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 9th क्लास का लेते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, एक टेबल है उस पर एक बुक रखी हुई है और इस यहाँ से थ्रेड से हम खींच रहे हैं एक्स और इधर से भी खींच रहे हैं वाई, ये 9th के एग्जांपल है। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो एक्स फोर्स और वाई फोर्स इक्वल होगा। अब 11th में आते हैं, एक इसका वेट लगेगा एम जी और एक लगेगा नॉर्मल बाय टेबल एन, ये हो गया 11th। यही सीखना है इस बार, अगर इक्विलिब्रियम है तो ये इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल। अब मान लो थोड़ा सा और, कोई रस्सी से खींच रहा है इस तरफ, एफ फोर्स लगेगा, ऐसे रस्सी से खींच सकते हैं विद एंगल थीटा, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा आपका एफ कॉस थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू वाई। एक इसका कंपोनेंट ऊपर जाएगा एफ साइन, अगर इक्विलिब्रियम में तो एफ साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी। अगर मैं पूछू एन भी दिया और कितना फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो एन प्लस एफ साइन थीटा, दो फोर्स हैं। यहां पर क्या होगा एक्स प्लस एफ कॉस थीटा, ये 11th है। इसी को हम बोलते हैं एफबीडी। क्या बोलते हैं? मतलब कितने फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब आप डायग्राम को 3D में विजुलाइज कर लो, फ्रीली कर दो और सारे फोर्स को देखो और जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से निकालो। जैसे एक क्वेश्चन इसी में से करते हैं, अब देखिए बहुत अच्छा, अब यहाँ से आसान लगेगा तुम्हें फिजिक्स और अच्छा भी लगेगा क्योंकि हम सही चीज पढ़ रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ पे लटकाया गया कुछ ऐसे फॉर्म में, एक बॉक्स है,
कुछ इस तरह से है। ऐसे दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ, ये इस बॉक्स को हैंग किया गया कुछ इस तरह से, दो रस्सी से बांधी गई है, दो रस्सी से हैंग किया गया है, रस्सी नंबर वन, रस्सी नंबर टू। रस्सी में आता है टेंशन, वो जाता है अपोजिट, क्या जाता है, इस पॉइंट के अपोजिट टेंशन जाएगा, ये टी वन लिखा ना, टी वन लिखते हैं टी वन, और ये एंगल भी दिया कि 60 डिग्री एंगल पे, कितने पे, 60 डिग्री पे, इसका टेंशन भागेगा इधर और इस पे एक वेट लगेगा mg। हाँ नॉर्मल तो अभी नहीं लगेगा क्योंकि हवा में है, ये क्या है, हवा में, हाँ किसी चीज पे नहीं रखा हुआ है वो, तब जब किसी सरफेस पे रखा हो, सरफेस तो है ही नहीं, हवा में ना। अब क्या करना है हमें, सारे फोर्स को विजुलाइज करना, कैसे समझिएगा, अब ये जो एंगल 60 डिग्री है ये इसके साथ बन रहा है, अच्छा तो अगर मैं कैसे बनाऊं कि ये आपका T1 और ये T2, तो अगर हम पैरेलल लाइन बनाए तो यहां पे भी एंगल कितना आएगा, ये हो सकता है ना पैरेलल लाइन बना के, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर आएगा T1 cos 60 हाँ थीटा, और एक कंपोनेंट ये आएगा T1 sin 60। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो T1 sin 60 mg के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर वन। अगर इक्विलिब्रियम में है तो T1 cos 60 इज इक्वल टू T2, इक्वेशन नंबर टू। पूछा क्या वैसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। मास दिया है 4 kg, क्या दिया है, जी ले लो 10, क्या ले लो, आपको कैलकुलेट करना T1 और T2 की वैल्यू। तो फ्रॉम 1 sin 60 कितना होता है, रूट 3/2, ये कितना 4 × 10, अरे बाबा आए, कितना हो जाएगा ये 80 रूट 3 न्यूटन T1। इस T1 की वैल्यू यहां रख देंगे तो T2 आ जाएगा, आसान है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पे T2, हाँ T2 का लेना। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं इसमें इंटेक्स से, अ मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम अ सीलिंग, अ फोर्स 60 न्यूटन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ रोप इन अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन सो इन फिगर 5.6। ये है क्वेश्चन ये वाला तुम लोगों में, इंटेक्स में ऐसा बना, इंटेक्स में जाओ, इंटेक्स में तो एग्जाम्पल हो गया, हाँ ये एग्जाम्पल में, मेरे वाले में इंटेक्स में है, देखा ना, नेक्स्ट करो, हाँ है तो ये रहा, ये बना, हाँ ये वाला इंटेक्स्ट में ही है ये, हाँ हॉरिजेंटल, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रोप मेक विथ वर्टिकल, नेगलेक्ट द मास ऑफ रोप एंड टेक जी इज 10 m/s, 5.36 का डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है, ठीक है ये वाला 5.36, इसमें थीटा निकालना है, कैसे करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन नंबर वन पढ़ रहे हैं तो पढ़ो, सॉल्व करो, करो सॉल्व, दोनों करना है, फर्स्ट सेकंड भी करना है, क्वेश्चन नंबर वन भी करना है, क्वेश्चन नंबर टू भी करना है, दोनों करो, इजी है, हो जाएगा, डायग्राम भी बनाना है बस। हाँ इक्विलिब्रियम में तभी वो टिका हुआ है ना,
देवी की रिकॉर्डिंग रोक दो, बस अब बंद करते हैं क्लास।